कैसे हो आप सब। सुबह सुबह मैंने जो है अपनी जो पानी की कैन है, पानी की जो बोतलें हैं ये वाइट वाली, ये सारी धो के रख दी हैं। इनमें जो है ना हरी हरी वो एल्गी लग गई थी, जो काई नहीं होती है वो लग गई थी। मैंने बहुत अच्छे से साफ़ करके रख दी हैं, धूप में रख दी हैं। और यहाँ पर ये अब मैं बनाने जा रही हूँ नाश्ता। और नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा। जी हाँ, तो सूजी मैंने ऑलरेडी उसमें डाली हुई है, एक डेढ़ कटोरी है शायद ये। और इसमें मैंने 2 से 3 चम्मच जो है घी डाला है। और आज मैं ज़्यादा हलवा बना रही हूँ क्योंकि मेरा बहुत मन कर रहा है और बच्चों के लिए भी अच्छा होता है, तो मैंने सोचा आज बहुत सारा बनाऊँगी और जो है शाम तक हलवा खाएंगे। तो ये हमने शाम तक हलवा खाया है और इसमें है चने। हलवा हो और चने ना हो तो फिर तो कोई मज़ा ही नहीं आता। तो चने भी छोंक दिए मैंने, जीरे का छोंक लगाया, नमक मिर्च डाल के उबाल लिया था इनको, रात को भिगो के रख दिए थे, सुबह उबाल लिया है। और वो रखी है मैंने कटोरी में चीनी, तो इसको मैं अच्छे से भून लूँगी, फ्राई कर लूँगी, फ्राई नहीं रोस्ट कर लूँगी। और ये नारियल मैंने ये ग्रेट करके रखा हुआ है। और आज मैं ना कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं डाल रही हूँ, बस एक नारियल ही डाल रही हूँ। बस जल्दी जल्दी बना रही थी तो मैंने कहा कौन ड्राई फ्रूट्स काटे, मन कर रहा था खाने का और टाइम ही नहीं था, बहुत सारा काम था। और सुबह बोतलें जो मैंने साफ़ किया उसमें बहुत टाइम लग गया। कई दिन से सोच रही थी, तब तक एक ही बोतल भर के ला रहे थे ब्लू वाली, तो मैंने कहा हस्बैंड के लिए आसानी हो जाएगी तो धो देती हूँ, फिर ये वाली भर के रख देंगे। तो ये भी एक सफाई रखना ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने बोतलें साफ़ कर दी। और मैंने देखी चीनी डाल दी और साथ में जो है गर्म पानी भी रखा हुआ था फ्राइंग पैन पे, तो वो भी मैंने डाल दिया। अगर आप गर्म गर्म पानी डालते हो ना तो थोड़ा सा, वैसे तो वो भी अच्छा बनता है जो ठंडा पानी डालते हो नॉर्मल, पर जब आप गर्म पानी डालते हो ना तो और भी अच्छा बनता है। बस फिर उसमें चीनी डाल दी और चला दिया अच्छे से, और ये बनके तैयार है हलवा। तो आइए आप भी खा लीजिए। तो आज नाश्ते में हलवा चने खाएंगे हम, और इसी की सब्ज़ी बना दूंगी जो बचेंगे चने, नहीं तो रात के करेले भी रखे हैं, जो कल मैंने करेले नहीं बनाए थे कल दिन में जो आपको दिखाए थे, तो वो रखे हुए हैं। सो गाइस, हलवा चने मेरा बन चुका है ये देखिए, और मैं हस्बैंड को देने जा रही हूँ, इसमें से थोड़ा युग भी खा लेगा। सो हस्बैंड को देने जा रही हूँ, फिर मैं भी खाऊंगी। चलिए देकर आती हूँ, फिर आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और सुबह मैंने बस नाश्ता बनाया था, उसके बाद से मैं अभी आपसे मिल रही हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ युग के साथ थोड़ा सा बाहर खेलने के लिए, और फिर आपसे मिलूंगी थोड़ी देर में। दिखाती हूँ मैं युग क्या कर रहा है बाहर। और हाँ, इससे पहले कि नेहा भारती जी ने मुझे बताया था कि उनके हस्बैंड का बर्थडे है 9 तारीख को, 9 जुलाई को, तो आपके हस्बैंड को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो जन्मदिन की, मेरी तरफ से विश कीजिएगा उन्हें। और आप दोनों की जोड़ी सलामत रहे, ऐसे ही आप लोग खुश रहें। और 10 जुलाई को भी है, किनका है, हाँ तनवीर जी की बेटी बेबो का बर्थडे है, तो उनको मैं कल विश करूँगी। मतलब नेहा भारती जी, आप मुझसे गुस्सा भी थे ना, तो गुस्सा मत हुआ करो यार, उस टाइम मैं थोड़ा सा बिजी थी, आप समझ सकते हो, छोटा बेबी है ना तो टाइप करने में बहुत टाइम लग रहा था। एक्चुअली उन्होंने मुझसे पूछा था कि आटे के गोलगप्पे कैसे बनते हैं, तो मैं ज़रूर आपसे कुछ दिन बाद शेयर करूँगी आटे के गोलगप्पे, शायद आपको उनके लिए बनाने थे। तो मैं ये कह रही थी कि आप ना YouTube पे देखना, बहुत सारे वीडियोस उस पर हैं जो कि बहुत अच्छे से समझाते हैं। निशा मधुलिका जी हैं, कविता जी हैं, और कविता किचन जो है, और भी भारत किचन है, वो बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज बताती हैं, तो बताते हैं, तो वहाँ से देखना वो, मतलब कहीं ना कहीं तो आपको ज़रूर मिल जाएगी। मैं जो आपको कमेंट्स में बताती हूँ उससे बहुत अच्छे से देखने से ज़्यादा समझ में आता है, तो मैंने इसलिए आपको बोला था। तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, ठीक है नेहा भारती जी। तो चलिए अभी मैं दिखाती हूँ आपको युग क्या कर रहा है, फिर आपको आके मुझे आपसे कुछ बात करनी है, तो चलिए चलते हैं बाहर। मारा मम्मा को, मैं
येलो 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 ड्रेस है आज मम्मा और युक्ति येलो येलो सो देखा आपने क्या कर रहा था युग बाहर और मैं अभी इधर आ गई हूँ उसको छत पे मैं ले जाती हूँ और कल उसके पापा उसको बाहर भी लेकर गए थे मतलब रोड पे बट आज जो है मैं नहीं लेकर गई तो वो वहीं पर चला रहा था सो क्योंकि इसके साथ ना हमारी भी एक्सरसाइज हो जाती है इसको सिखाते सिखाते तो एक बात करनी थी आपसे कि आपको आज मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा जो एक एक सब्सक्राइबर है ना एक एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं मेरे चाहे 50 व्यू आए चाहे मेरे 100 व्यू आए पर जो मेरे को जेन्युइनली देखते हैं ये वीडियोस मैं सिर्फ उनके लिए बनाती हूँ सिर्फ और सिर्फ उनके लिए मुझे अभी ये नहीं है कि मुझे डॉलर मिलेंगे अभी मुझे कोई ये नहीं हो रहा है मुझे सिर्फ ये है कि लोग मुझसे जुड़ें बस मेरे को ये मेरा मेन मोटिव है अभी पैसे देखिए पैसे से ना तो मेरा घर चल रहा है हाँ ये है पैसा मेन पैसा कहीं ना कहीं एक थी चीज़ जो YouTube पर आना था बट उससे पहले मैं इस YouTube पे इसलिए आई थी कि मैं लोगों से जुड़ना चाहती थी फेम पाना चाहती थी तो ये भी था और ये अभी भी है तो मैं मेहनत कर रही हूँ और आप लोगों से जुड़ रही हूँ धीरे धीरे चाहे धीरे धीरे ही सही सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ बस मुझे इसकी खुशी है ये नहीं कि मैं एकदम से सारी सीढ़ियाँ चढ़ जाऊँ मेरे को ये भी नहीं है पर हाँ ये है कि कभी कभी बुरा लगता है जब व्यूज़ बहुत कम आते हैं क्योंकि मेहनत जो है बहुत ज़्यादा होती है उसका आउटपुट मुझे मिल नहीं रहा है बट फिर भी जो आप एक एक सब्सक्राइबर हो इतने प्यार से मुझे देखते हो इतने प्यार से मुझे दी बोलते हो अच्छा बोलते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और आप में से कुछ लोग तो मुझे मोटिवेट भी करते हैं चाहे आपको नहीं पता आपके कमेंट्स आप अनजाने में मुझे मोटिवेट कर जाते हैं आपको तो पता भी नहीं होता कि मैं आपके कमेंट से कितना मोटिवेट होती हूँ तो प्लीज़ इसी तरीके से कमेंट करते रहिए मुझे और मैं ये नहीं कहती सिर्फ अच्छा अच्छा बोले मेरी गलतियाँ भी बताइए तभी मैं इम्प्रूव करूँगी धीरे धीरे मैं अपने ब्लॉग्स भी इम्प्रूव कर रही हूँ आपने देखा होगा चेंजेस देखे होंगे मुझ में और जो ये मेरा एक एक सब्सक्राइबर है मेरे लिए बहुत कीमती इसीलिए देखो मैं इतना कनेक्ट हूँ आपसे इसीलिए मुझे आपकी सारी चीज़ें याद रहती हैं जैसे एक फैमिली होती है इसी तरीके से मुझे आपकी सारी चीज़ें याद रहती है आप लोग जो भी बताते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग अब मुझे बताने लगे हो कि अब इसका बर्थडे है अब उसका बर्थडे है अब हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है देखो जस्सी जी की वो मेरे को वेडिंग एनिवर्सरी भी याद थी एक बार मेरी लाइफ में आई थी वो तो मैं सब चीज़ें याद रखती हूँ हाँ अगर कभी कभी ये भी हो जाता है हो सकता है मैं भूल भी सकती हूँ क्योंकि इंसान है इंसान भूल भी सकता है हाँ बट मोस्टली मैं जो है चीज़ों को याद रखने की कोशिश करती हूँ और रह भी जाती है मुझे याद तो प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट कीजिए और आज की वीडियो में ज़्यादा कुछ था नहीं सॉरी आज मैं ज़्यादा व्लॉग अच्छा बना नहीं पाई बट जो भी है बीच में आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी मुझे तो इसलिए मैं लेट गई थी सोई नहीं थी बट लेट गई थी और बस यही होता है कि थोड़े व्यूज़ और आ जाए धीरे धीरे बढ़े धीरे धीरे बढ़े देखिए पैसे आते रहेंगे पहले तो आप लोगों से कनेक्ट होना है ना ना तो मेरा घर अभी चल रहा है यूट्यूब से और ना ही कभी आगे चलेगा इससे मेरा यूट्यूब मेरा जो घर है वो मेरे हस्बैंड की अर्निंग से चलता है तो इसलिए मुझे पैसे का इतना ज़्यादा नहीं है हाँ ये होता है कि कुछ कर रहे हैं तो कुछ तो रिज़ल्ट मिले और पैसे भी इससे भी ज़्यादा मेरे को ये है कि लोग जुड़ेंगे तो अपने आप सब कुछ हो जाएगा ये तो अंडरस्टूड है तो इसलिए मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं आप लोगों से कनेक्ट हूँ आप लोगों से जुड़ूँ और आपसे उम्मीद है मुझे कि आप लोग ज़रूर मेरी वीडियोस को शेयर करोगे आगे ले जाओगे मुझे और मेरे चैनल को ज़रूर मुझे आप लोगों से बहुत उम्मीदें हैं तो प्लीज़ मुझे निराश मत कीजिएगा शेयर कीजिएगा वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरी वीडियो को और आप लोग भी जो रेगुलर देखते हो आप भी लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए नोटिफिकेशंस के लिए नोटिफिकेशंस भी आजकल बहुत प्रॉब्लम कर रही है नहीं मिलती है लोगों को तो देखिए जो आप लोग हो प्लीज़ सर्च कर लिया कीजिए
देखिए जो मेरे को रेगुलर देखते हैं ना उनकी तो मुझे चिंता नहीं है कि वो तो सर्च करके भी देख लेंगे। मैं कम्युनिटी पे भी इसीलिए वीडियो को शेयर कर देती हूँ कि जिन तक कम्युनिटी पहुँच रही है तो एटलीस्ट वहाँ पे लोगों ने बताया कि किसने बताया था, जस्सी ने बताया था कि पता नहीं किसने, कि 2 घंटे बाद जो है नोटिफिकेशन मिलती है। तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सफ़र कर रही हूँ मैं, बट फिर भी मैं खुश हूँ। जो इतने से है ना जो मेरे चाहने वाले, जो मेरे को 100 व्यू या जितने भी आते हैं, चाहे मेरे को 10 आए, तो बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट से। तो आज मुझे यही शेयर करना था बस। तो चलिए मैं मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, लव यू।